हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं आपके दैनिक राशिफल के विषय में और आपको जानकारी देंगे दैनिक राशिफल के साथ साथ पंचांग के विषय में भी। तो ये थी जानकारी पंचांग की। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में। आरंभ करते हैं मेष राशि यानी एरीज साइन। तो साथियों, अपनी सेहत की बेहतरी के लिए सबसे पहला कार्य तो ये करें आज के दिन के अपने खान पान में सुधार करें, ये बहुत आवश्यक है। और आप अपने घूमने फिरने पर पैसा खर्च करने के मूड में तो रहेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पैसे की कमी का एहसास होगा और आपके कार्य रुक सकते हैं कुछ पैसे की कमी के कारण। तो आप धन पर्याप्त मात्रा में ही खर्च करें। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राय भी अवश्य जान लें। आज के दिन आप अपने किसी प्रिय को बहुत याद करने वाले हैं और अपने सीनियर यानी कि बॉस या फिर कोई आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको घर पर बुलाने के लिए भी दिन सही नहीं कहा जा सकता। यात्रा के जो मौके हैं उनको आप हाथ से ना निकलने दें। अगर आज के दिन कोई यात्रा का मौका मिलता है करने का, अवश्य करें, क्योंकि आज के दिन की गई यात्रा आपके लिए हितकर होगी। उपाय आप कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर के नियमित रूप से दर्शन करें और वहां प्रसाद चढ़ाएं, आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। शुभ रंग आपके लिए है आज आसमानी और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 7। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। तो साथियों, आपका जो गुस्सा है वो आज किसी छोटी सी बात को, जिसको कहते हैं तिल का ताड़ बन जाना, राई का पहाड़ बन जाना कहावतें हैं, तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति आज हो सकती है आपके साथ, जो आपके परिवार को भी अच्छा नहीं लगेगा, वे भी आपसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि वे लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने गुस्से पर काबू रखना जानते हैं या रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपका कुछ नुकसान करे, आप उस गुस्से को अपने पास आने ही ना दें, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अपने गुस्से पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें, ये बहुत आवश्यक है। देखिए साथियों, अगर आज इन सभी चीजों से हट करके अगर आपने अपना फोकस इस बात पर किया कि आपको कैसे धन अधिक मात्रा में कमाना है, तो आप उसमें सफल हो सकते हैं, लेकिन पूरा फोकस इसी बात पर करना पड़ेगा और इस मौके को अपने हाथ से निकलने भी ना दें। आपके मित्र और या फिर आपके घर के जो सदस्य हैं, आपको प्यार मिलेगा उनसे, पूरा सहयोग भी मिलेगा, पूरा कोऑपरेट करेंगे वो आपके साथ। इसके अलावा आज के दिन आपकी किसी के साथ आंखें चार होने की भी बहुत अत्यधिक संभावना है। अगर आप यात्रा करते हैं तो अपने साथ जितने भी कंपल्सरी इम्पोर्टेंट या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाना ना भूलें। उपाय आप कर सकते हैं, दूध में हल्दी थोड़ा सा मिला करके मिला लें, उसको पिए, और अपने नहाने वाला जो जल है, पानी है, स्नान करने वाला, उसमें भी एक चुटकी हल्दी डाल करके फिर स्नान करें। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी आपकी। शुभ रंग आपके लिए संतरी, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 4। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। तो साथियों, कानूनी मामलों के कारण थोड़ा सा तनाव बन सकता है। आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं आज अगर चाहेंगे तो, बशर्ते आप पारंपरिक तौर पर अपने धन का निवेश करें। अगर आप कहीं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर कहीं म्यूचुअल फंड आदि में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप कायदे से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं सही जगह पर, पूरे स्टडी के बाद उसको पूरा एनालाइज कर लें, तो निश्चित रूप से आपका धन आप कमा सकते हैं, आप अच्छा पैसा। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ दिलचस्प और रोमांचक काम करने के लिए भी समय
अनुकूल रहेगा आपके लिए। कामकाजी लोगों को अपने हाल में ही जो उपलब्धियां हैं, जो आपने हासिल की हैं, उसके लिए जो आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं या असिस्ट करते हैं, उनकी सराहना आपको करनी है, उनकी मदद भी करनी है, बदले में उनकी ओर से भी आपको ये सब मिलने वाला है। और इसके अलावा आप कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो अपना ईगो बीच में ना लाएं, और अपने जो जूनियर हैं आपके, उनकी समस्याओं पर, उनकी परेशानियों पर, या वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, उस पर भी पूरा ध्यान दीजिए आप। और जो नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है, जरूरत है, ऐसे लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हर किस तरीके से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी एक इमेज बनेगी और आपकी एक पहचान बनेगी। उपाय आप कर सकते हैं, गरम मसाले, सूखे मेवे, शहद और गुड़ का प्रयोग खाने में करने से आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 2, शुभ रंग आपके लिए है आज हरा। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, तो साथियों ऐसी गतिविधियों में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें जो आपको काफी सुकून दे सकती है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, केवल एक दिन को, आज के दिन को आप नजर में रखकर अपने जो जीने की आदतें हैं उनको अपने काबू में रखें, और जो भी अपनी हैबिट्स हैं वो एक दिन के हिसाब से ना बनाएं, आने वाले समय के हिसाब से अपने अंदर ऐसी हैबिट्स लाएं जो वो उनका आपको लाभ मिले आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। इसी के साथ जरूरत से ज़्यादा अपना समय या फिर पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च ना करें, उतना ही करें जितना जरूरी है। छोटे आपके भाई बहन, उनको आप कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं, उनका अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का दिन आप रोशन कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। आज कुछ ऐसा दिन है कि जब चीजें उस तरह से नहीं हो पाएंगी या नहीं होंगी जैसा कि आप उनको चलाना या करना चाहते हैं। उपाय आप कर सकते हैं, भगवान शंकर जी, भैरव और हनुमान जी की पूजा करना और उनको प्रणाम करना, उनके श्री चरणों में माथा टेकना या उनके दर्शन करना, यह आपके पारिवारिक उत्थान के लिए बहुत ही उपयुक्त उपाय रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज सफेद। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, तो साथियों आज आप खेल कूद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आपको काफी फिजिकली फिट रखेगा। अतिरिक्त धन को आप रियल एस्टेट में आप कहीं निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आदि में। नवयुवकों को स्कूल प्रोजेक्ट के बाबत कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है। और आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद भी आपका जो प्रिय है आपके लिए खुशी के पल लेकर आएगा। भले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह दिन कई उपलब्धियों को भी आपको देने वाला है। आज उन सहकर्मियों का विशेष ध्यान रखें जो उम्मीद के मुताबिक चीज ना मिलने पर थोड़ा जल्दी ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उपाय आपने करना है, आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो साधु संतों की सेवा करना ना भूलें। शुभ अंक आपके लिए है 9 और शुभ रंग आपके लिए है स्लेटी। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, तो साथियों आपको कोई गलत जानकारी आज कहीं से मिल सकती है जिसके चलते आप थोड़ा सा मानसिक तौर पे तनाव में आ सकते हैं, और जो प्राप्त हुआ धन है वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। यानी जितना धन आज आपको प्राप्त होगा वो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर आप सामूहिक गतिविधियों में कहीं हिस्सा ले रहे हैं या लेते हैं, वहां पर आप अपने लिए नए दोस्त भी बना सकते हैं, और अपने प्रिय को खुश करना आपके लिए थोड़ा सा आज मुश्किल रहेगा। शहर से बाहर यात्रा करना आपके लिए ज्यादा आरामदेह नहीं रहेगा, लेकिन आवश्यक जान पहचान बनाने के लिहाज से दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उपाय
आप ये कीजिए कि काले ऊनी कंबल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, ऐसा करने से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, बेटर होगी। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए है आज 3। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। साथियों, कभी भी व्यक्ति को अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमेशा कर्म को प्रधान मान करके अपने कर्म करने चाहिए और अपनी सेहत को सुधारने की भी साथ साथ कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत जो है ये बहुत ज्यादा आलसी होती है। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करने वाले हैं आज। मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको उनका यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, हल्दी की एक गांठ, पीपल के 5 पत्ते, 1.25 किलो पीली दाल, केसर, सूर्यमुखी का एक फूल और पीले वस्त्र, ये सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को जाकर के बहुत ही श्रद्धा के साथ दान करें। ऐसा करने से आपका जो फैमिली लाइफ है वो मजबूत होगा, बेटर होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 5, शुभ रंग आपके लिए है नीला। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। आज के दिन आपके चेहरे पर पूरे दिन मुस्कान बिखरी रहेगी और जो अजनबी है वो भी आपको जाने पहचाने से महसूस होंगे, कुछ इस प्रकार का आज आपकी सोच रहेगी। आज के दिन आप जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं या गोल्ड है, ऐसी चीजों में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है और आपको प्रॉस्पेरिटी भी दिला सकता है। आपकी सहानुभूति और समझ के रहते हुए कोई आप अवार्ड विन कर सकते हैं, लेकिन सावधानी इस बात को लेकर के रखनी है कि जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय, कोई डिसीजन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने साथी के साथ बाहर जाने के समय ठीक तरीके से आप बिहेव करें, संयम और साहस का दामन आप थामे रहें, विशेष तौर पर जब दूसरे आपका विरोध कर रहे हों, और इसकी संभावना आज के दिन कुछ अधिक दिखती है। यात्रा आपके लिए काफी आनंददायक रहेगी और लाभकारी रहेगी। उपाय आप करें, अच्छी सेहत के लिए पूर्व की ओर मुख करके भोजन करें। शुभ अंक आपके लिए है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए है पीला। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन। साथियों, अगर कोई क्रोनिक डिजीज आपको है, लंबे समय से कोई परेशानी है, बीमारी है, तो उसको आप इग्नोर ना करें, उसको लेकर के लापरवाह ना बने, नहीं तो आगे चल करके ये समस्या आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, आपको ये परेशान कर सकती है और ज़्यादा। अभी जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम है, ये अभी चलता रहेगा कुछ समय, लेकिन पारिवारिक सहयोग और मदद आपको मिलती रहेगी। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी झूठ ना बोलें, झूठ बोलने से बचिएगा, क्योंकि यह आपके प्रेम संबंधों पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है और आपके सामाजिक संबंधों पर भी आपके बुरा प्रभाव डाल सकती है। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है बुरी तरह। उपाय करें, चारपाई के पायों में तांबे की छोटी छोटी 4 कील गाड़ दें, यह आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा ये उपाय। शुभ अंक आपके लिए है 2, शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। देखिए, जरूरत से ज्यादा यानी जितनी आवश्यकता आपके शरीर को है उससे ज्यादा अगर आप खाना खाते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, और ज्यादा कैलोरी वाली चीजें जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है उनके खाने से भी आप बचिएगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के कुछ नए रिसोर्सेस मिल सकते हैं उनके थ्रू। अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता अगर आप डेवलप करते हैं ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे आने वाले अच्छे समय की ओर आप देखें, ये आपके लिए ज़्यादा हितकर रहेगा और आपकी कोशिशें काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देने वाली हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। आप अपने प्रति अपने साथी के प्यार को
महसूस करेंगे, समझेंगे, क्योंकि जीवन के एक खास पहलू के लिए समय थोड़ा कठिन हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है अंत में कि कहीं पर भी समय बहुत बहुमूल्य होता है, प्रेशस होता है टाइम, उसको गप्पबाजी में, इधर उधर की फालतू बातों में, किसी के भी साथ बैठ करके या किसी ग्रुप में बैठ करके आप अपना समय व्यर्थ ना करें, वेस्ट ना करें, और किसी भी तरीके की र्यूमर्स से भी दूर रहें। ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखिएगा, ज्यादा बेहतर है। उपाय कर सकते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष को सफेद धागे में धारण करने से आपकी जो है वो धन की स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक बनता है आपके लिए आज एक। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, तो देखिए साथियों, पेट के जो रोग हैं, विशेष तौर पे जो गैस के मरीज हैं, उन लोगों को तो कोई तला हुआ जैसे भोजन है, स्पाइसी फूड हो गया, और डीप मतलब जो ऑयली फूड जिसको कह देते हैं, डीप फ्राई हो गया, और वसा युक्त आहार से दूर रहने की जरूरत है। ऐसे खानों से आप दूर रखें अपने आप को। फल फ्रूट्स ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स लें, और लिक्विड शेप में ज़्यादा लें, जूसेस वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं। आपके जो प्रियजन हैं वो आपसे खुश रहेंगे आज, आपके कार्यों को देख करके, आपके एटीट्यूड को देख करके। आज शाम के समय आप उनके साथ कहीं घूमने की जाने की योजना बना सकते हैं, और आज के दिन आप अपने प्रिय को बहुत याद करेंगे, हो सकता है उसको मिस भी करें। बिना गहराई से समझे बूझे किसी व्यवसायिक या किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर ना करें। नए विचारों और नए आइडियाज को जांचने का बेहतरीन समय है ये। उपाय आप कर सकते हैं, नौकरी एवं बिजनेस में तरक्की के लिए घर के किसी कच्चे स्थान में आप मां तुलसा जी का पौधा लगाएं। ये हर किस तरीके से आपके रोजगार या व्यापार में तो करेगा ही, ये चौतरफा आपको लाभ देगा। शुभ अंक आपके लिए है 8, और शुभ रंग आपके लिए बनता है ग्रे आज। अंत में मीन राशि यानी पाइसेस साइन, तो साथियों, आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक जो सोच है आपकी उसको थोड़ा सा प्रभावित करके रखा है। नाती पोतों से आज काफी खुशी प्राप्त हो सकती है आपको, और अपने संबंधों में यथार्थवादी बनने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आज के दिन कुछ भी करने के लिए अपने साथी पर दबाव बिल्कुल ना बनाएं, अन्यथा आपके दिलों में दूरियां बन सकती हैं। अगर आप यात्रा करते हैं तो सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना ना भूलें। उपाय करना है, पार्टनर से प्रेम संबंधों को अगर रखना चाहते हैं बेहतर, तो इसके लिए गुरु या पिता समान या पिता को गुलाबी रंग के वस्त्र भेंट जरूर कर दें। शुभ अंक आपके लिए है आज 6, और शुभ रंग आपके लिए है आज मैरून। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आधारित दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल में हमने सभी, आप जो हमारे श्रोतागण हैं, सभी को हमने ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम आप सभी अपने प्रिय श्रोतागणों से इजाजत लें और यहाँ पर अपनी वाणी को भी विराम दें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।